कीजिए बाबूजी। सुनिए जी, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ, आइए। मेहरबानी। आप क्या बचपन से इसी तरह हैं? नहीं नहीं, इन आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है, मगर अचानक एक हादसा। हादसा? बहुत दुख भरा हादसा है। सुनेंगे? सुनाइए। 2 साल पहले मैं ऐसी सड़क पार कर रही थी, सामने से एक आदमी आ रहा था और दूसरी तरफ से एम्बुलेंस, हम तीनों आपस में टकरा गए। इसी तरह मेरी जिंदगी अंधेरी हो गई। गरीब हूँ पर आंखों का इलाज भी करा लेती। देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बस अपनी ये तनख्वाह दे सकता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काश इस देश का हर पुलिस वाला आप जैसा होता। पुलिस वाला? आपको कैसे पता चला कि मैं पुलिस वाला हूँ? जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो आपके हाथ में डंडा था, और डंडा तो सिर्फ 2 ही लोगों के हाथों में होता है, या तो अंधे के या पुलिस वाले के। बिना आंखों के भी आप कितना कुछ देख लेते। छोटी, शर्म तुझे छूके नहीं गुजरी? तेरा नाम शर्मीली किसने रख दिया? कब सुधरेगी तू? कब सुधरेगी? हाथ पकड़ ले मेरा, कल सुधर जाऊंगी। एक बार दुल्हन बनाकर अपने घर तो लेके जा। अगर तुझे मैं अपने घर ले गया तो दूसरे दिन मुझे अपना घर ढूंढना पड़ेगा कि इस शहर में था कि नहीं। अरे देवा, मैं तेरे साथ बेईमानी थोड़ी करूंगी। मैं तो तेरी सेवा करूंगी, तेरे बच्चों को पालूंगी पोसूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। हट, तेरा क्या भरोसा? पता चले तू मेरे बच्चों को ही बेच दे। नहीं रे, शादी करके तो देख, सुखी हो जाएगा सुखी। यकीन नहीं आता तो जोशी से पूछ ले। अगर तू इस मैना का तोता बन गया ना, तो तेरी लाइफ बन जाएगी। भूतनी, मैं कब्रिस्तान के किसी चुड़ैल से शादी कर लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं। सिगरेट, जुए और शराब की आदत तो मेरे भाई को लगा चुके हो, अब लड़की की आदत भी लगा दी। उस लड़की को तो अक्सर मैंने तुम्हारे साथ देखा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना वो? थी, अभी करण की है। हम दोस्तों में ये सब चलता है। तुम्हारे चाल चलन को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लड़की कितनी शरीफ है आज ये भी जान गया। तू अपनी बात करना यार, जलन हो रही है क्या? देख, मेरे भाई के इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, उससे दूर रहना, वरना वरना क्या करेगा? हाँ। तू कौन होता मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने वाला? देख भाई, खबरदार जो मुझे भाई कहा तो। जरा सोच करन, जो लड़की इतनी बेशर्मी से खुलेआम तेरी बाहों में बाहें डालकर घूम सकती है, वो लड़की क्या होगी? एक गिरी हुई लड़की है वो। तू जानता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा गिरा हुआ कौन है? तू, तेरा बाप, जो अपनी ही पत्नी से धंधा करवाना चाहता था। तेरी मां, जिसने अपने ही पति का खून कर दिया। भूल गया था ना तू? इसीलिए याद दिला रहा हूं कि तेरा बाप एक दल्ला था और तेरी मां एक खूनी। वो लड़की तेरी मां से ज्यादा गिरी हुई नहीं हो सकती। अगर यही बात तेरे बजाय किसी और ने कही होती तो आज उसे जान से मार डालता मैं। एहसान मान उस मां का जिसकी पूजा करता हूं मैं, आज उसकी वजह से तू जिंदा बच गया। मां, तूने उसके लिए मुझे थप्पड़ मारा? देवा, देवा, लाल, देवा, मेरे
माँ। हाँ बेटे। जिसे मैंने जन्म दिया उसे अपना दूध पिलाया है, तुझे सिर्फ आंसू पिला सकती हूँ बेटी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कह। कभी कभी सोचती हूँ अपने घर में लाकर सिवाय जिल्लत के क्या दिया है तुझे। माँ, वो प्यार जो तूने और बाबूजी ने मुझे दिया है, उसके लिए ऐसी जिल्लत तो मैं सारी जिंदगी सह सकता हूँ। बेटा, करण दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ नादान है। देखना, एक न एक दिन वो तुझे जरूर समझेगा। कब माँ, कब समझेगा वो मुझे? ए, आज शाम से देख रही हूं, कुछ मूड ठीक नहीं है तुम्हारा, दिल तो नहीं भर गया मुझसे? नहीं अमृता, तुमसे कभी दिल भर सकता है मेरा? तो फिर मेरे होते हुए किस सोच में डूबे हो तुम? देवा के बारे में सोच रहा हूं, आज मेरा गिरेबान तक पकड़ने की हिम्मत आ गई उसमें। जानती हो अमृता, भिखारी बनकर आया था मेरे घर में, और आज मेरे माँ बाप के दिल में मुझसे ज्यादा उसके लिए जगह है। मेरा प्यार तो उसने बांट ही लिया, मुझे डर है कहीं एक दिन मेरे हिस्से में आने वाली जायदाद का आधा हकदार ना बन बैठे। He's a clever bastard. हेलो अमृता, तुम्हारे शो का टाइम हो रहा है। मैं अभी आती हूँ रॉकी। Hey करण, come on, relax. Go and get fresh. मुझे नीचे जाना है, okay? अच्छा, तो शराब पीकर आया है तू? जानता है तेरे डैडी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? घर से निकाल देंगे। वैसे भी इस घर में मेरी नहीं, देवा की जरूरत है सबको। क्या बिगाड़ा है उस गरीब ने तेरा? क्यों नफरत करता है तू उससे इतनी? मैं उससे नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू बहुत प्यार करती है उससे। हाँ करती हूँ, क्योंकि मेरे प्यार के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। तकदीर ने बचपन में उस बदनसीब से सब कुछ छीन लिया। अगर मैं भी अपनी ममता का साया उसके सर पर न डालती तो कहाँ जाता वो अनाथ? तो क्या इसीलिए तूने अपनी ममता का बंटवारा कर दिया माँ? ममता बांटने से ममता का बंटवारा नहीं होता करण। तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तेरे प्यार का बहुत कम हिस्सा आया मेरे हिस्से में? कोई तो वजह होगी ना माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवा अपने आप को इस घर में पराया ना महसूस करे, इसलिए तूने अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दिया? ये सोचे समझे बिना कि तेरा अपना बेटा अपने ही घर में अपने आप को पराया महसूस करने लगेगा माँ? ऐसा मत सोच बेटी, देवा तो 9 साल का था जब मैं उसे इस घर में लेकर आई थी। तुझे तो 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने, मेरे शरीर का हिस्सा है तू, तुझसे बढ़कर और कौन हो सकता है? मेरे एक चाटे का इतना बुरा मान गया तू कि एक माँ को इतना भी हक नहीं है? तो हक की बात करती है माँ तो मेरी जान ले ले, मैं उफ तक नहीं करूंगा। मगर अब देवा की वजह से दोबारा तूने मुझे चाटा मारा तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा माँ। नहीं करण, तू मुझे छोड़कर गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। चाचा जी। क्या शर्मिली, ये दुग्गल जी इसी रास्ते से जाते हैं ना? अरे बेटी, वो अपनी तरह कड़का नहीं है, पैसे वाला है, ऑफिस में फाइलों में उलझा होगा, आता ही होगा। कोई गाड़ी आ रही है, लगता वही है। समझ रेडी। आपको मैं कहीं छोड़ सकता हूँ?
कहाँ, होटल या घर? घर, घर में आज कोई नहीं है, मेरी बीवी भी बाहर गई हुई है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम, नाम से क्या काम? काम है इसलिए पूछ रही हूँ। जी राजीव दुग्गल। दुग्गल, चल। कंफर्टेबल है ना? ऑफ कोर्स। यूहू, विस्की। सॉरी। आप विस्की पीती है ना? ऑफ कोर्स। नाइस, वेरी नाइस। डर डर घोलो का शराब इसमें फिर मिलाई। थैंक यू। आई 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 आई, फील एट होम, कंफर्टेबल, अपना ही घर समझिए। इतनी रात गए कौन आया होगा? कहीं मेरी बीवी तो नहीं होगी? वो तो कल आने वाली थी बैंक से। इंस्पेक्टर, आपने मेरी फोटो क्यों खींची? कानून बिना सबूत के मुजरिम को छोड़ देता है, इसलिए पहले मैं सबूत को पकड़ता हूँ, बाद में मुजरिम को पकड़ता हूँ। मुजरिम? मैंने क्या जुर्म किया? जुर्म? बिना परमिट के शराब, बिना लाइसेंस के शबाब, दफा 210 यानी 2 साल। 2 साल? यस। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पैसा पहली दफा किया है। वैसे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? शादीशुदा मतलब बीवी के साथ धोखाधड़ी? दफा 420 मतलब 4 साल। 4 साल? 4 साल मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे? खामोश। बाप के फर्ज से बेईमानी, दफा 840 मतलब 8 साल। ये सारी दफा, कई दफा लगेगी तुम पर, कम से कम 50 साल की सजा होगी तुमको। 50 साल? इतनी सजा काटने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है। 25,000 लगेंगे। 25,000? कम है? बहुत ज्यादा है, इतने मैं नहीं दे सकूंगा। और देने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये इंस्पेक्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी थोड़ी बहुत धुलाई कर देंगे। कल सुबह तुम्हें कोर्ट ले जाकर तुम्हारी बदनामी करेंगे और तुम्हारी बीवी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। और कुछ नहीं कर सकते। अरे, करने के लिए इनके पास बचा ही क्या? कुछ बचा? नहीं। दी, देता हूँ 25,000 लाता हूँ इसी बार। कहाँ इनके चक्कर में फंस गया? ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, 25,000 रुपए मेरी मेहनत के नहीं है। चला झगड़े। चलती हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये कैमरे की रील मुझे दे दीजिए ना। कैमरे में रील नहीं थी? नहीं थी? कितनी अच्छी बात।